If you want to improve your science and math, you can check the description below. Huge discounts are available on different courses of Infinity Learn by Sri Chaitanya. And if you use my code BB10, you will get additional 10% discount. Hello students, myself Manojit Bardhan, आपका biology teacher. इस वीडियो में मैं ICSE बोर्ड का क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर है एड्स टू हेल्थ, इससे हम लोग एंटीबॉडीज इस सब टॉपिक के बारे में जानेंगे. एंटीबॉडीज क्या है? These are special chemicals found in the blood which act against the germs or their secretions. कोई अगर जर्म हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, उस जर्म का जो सिक्रीशन है यानी एंटीजन, उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में यानी एंटीजन को ख़त्म करने के लिए हम लोग के बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी. अभी एंटीबॉडी जो है वो बी लिम्फोसाइट जो वाइट ब्लड कॉर्पसल है, वाइट ब्लड कॉर्पसल में लिम्फोसाइट का नाम तो हम लोग को पता होगा. तो लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट. तो अभी उतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि बी लिम्फोसाइट जो WBC है, सपोज ये वाला एक बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीनेशियस केमिकल. अब कब प्रोड्यूस करता है? सपोज बॉडी में बैक्टीरिया एंटर किया. अब बैक्टीरिया एंटर करने से बैक्टीरिया का वॉल में यानी सरफेस में कुछ एंटीजन प्रेजेंट होता है, या फिर वो एक कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है जो बॉडी के लिए हानिकारक है, वो भी एंटीजन. तो उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में यानी इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके, डिटेक्ट करके, ये लिम्फोसाइट क्या करेगा? बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है. सपोज दीज आर एंटीबॉडीज, मैंने ऐसे स्टार शेप में ड्रॉ किया. एंटीबॉडीज दिखने में ऐसा नहीं होता है, एंटीबॉडी दिखने में होता है ऐसा वाई लाइक, ठीक है, ऐसा वाई लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है, दो हेवी चेन दो लाइट चेन. तो अभी उतना डिटेल ज़रूरत नहीं है, तो जान लो ऐसा वाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैंने आसानी के लिए ऐसा स्टार शेप दिया क्योंकि तुम्हें किताब में ऐसा स्टार शेप्ड एंटीबॉडी देखने को मिलेगा. अब ये बी लिम्फोसाइट इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके इसके खिलाफ ऐसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. अब ये एंटीबॉडी क्या करता है? बहुत सारा बैक्टीरिया को एक साथ क्लंप कर देता है, यानी एक जगह पे ऐसे क्लंप कर देता है, ऐसे करके एक के साथ दूसरे को एक जगह पे लाके जोड़ देता है. ऐसा क्लंपिंग होने से क्या सुविधा होता है? जैसे बहुत सारा बैक्टीरिया एक जगह पे ग्रुप टुगेदर या क्लंप टुगेदर हो गया, तब क्या होगा? जो बॉडी में फैगोसाइटिक सेल्स है, जैसे न्यूट्रोफिल, मैंने यहाँ पे एक न्यूट्रोफिल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक न्यूट्रोफिल है. न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब्ड होता है, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया. ये फैगोसाइटिक सेल है, फैगोसाइटिक सेल यानी इसको फैगोसाइटोसिस करना आता है. क्या करेगा अब ये जो बैक्टीरिया का क्लंप है इसको क्या करेगा? इनगल्फ कर लेगा, ऐसे करके इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करके इसको ख़त्म कर देगा. तो ये है एंटीबॉडी का काम, यानी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जोड़ता है. अब एंटीजन में एक स्पेसिफिक साइट रहता है, सपोज ये वाला एक एंटीजन जो मैंने ड्रॉ किया, सपोज ये वाला एक एंटीजन है. अब इस एंटीजन का अगर इस रीजियन से एंटीबॉडी आके जुड़ेगा तो इस रीजियन को हम लोग कहेंगे एपिटोप, ठीक है, एपिटोप. इस रीजियन से आके एंटीबॉडी बाइंड करेगा. सपोज एंटीबॉडी ऐसा दिखने में है, मैंने तो कहा कैसे स्टार शेप्ड होता नहीं है, मैंने अभी ड्रॉ किया आसानी के लिए. तो ये वाला है एंटीबॉडी, रेड से मैंने ड्रॉ किया एंटीजेन. तो एंटीबॉडी कब बॉडी प्रोड्यूस होता है बॉडी में? इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेन. अगर बॉडी में कोई एंटीजेन एंटर करता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. अब एंटीजन से एंटीबॉडी आके जुड़ेगा तो एंटीजन का जिस रीजियन से एंटीबॉडी आके जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं एपिटोप. और एंटीबॉडी का
जो ये रीजियन है जो आके एंटीजन के एपिटोप से जुड़ा, इस रीजियन को हम लोग कहेंगे पैराटोप। ठीक है, तो एपिटोप क्या है? एंटीजन का वो रीजियन जहाँ पे एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा, और पैराटोप क्या है? एंटीबॉडी का वो रीजियन जिस रीजियन से वो जाके एंटीजन से जुड़ेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है पता चल गया, एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है या कौन सिंथेसिस करता है पता चल गया, लिम्फोसाइट। अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंटीबॉडी। नंबर वन, द एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, जैसा मैंने कहा दे बिलोंग टू द क्लास इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसलिए एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, यानी आईजी। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन का शॉर्ट फॉर्म आईजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, ऐसा पांच प्रकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाया जाता है हम लोग के बॉडी में। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई ए टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। जैसे मैंने कहा, कौन सा स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट? मैंने कह दिया ना, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एंटीजेंस, एंटीजेन एंटर करने से उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एंटीजेंस, एंटीजेंस क्या है वो भी मैंने बोल दिया, केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड ऑन द जर्म सेल्स, दी स्पेशल लिम्फोसाइट्स यानी बी लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलरली कंसेंट्रेट इन द लिम्फ नोड्स। हम लोग के बॉडी में जो लिम्फ नोड रहता है वहाँ पे पाया जाता है, फिर स्प्लीन में पाया जाता है, एंड ऑल्सो इन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड सर्कुलेटिंग ब्लड या एंड लिम्फ में पाया जाएगा। नंबर थ्री, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटीबॉडीज क्या है? आवर बॉडी कैन मेक एन अनलिमिटेड वेराइटी ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज। हम लोग का बॉडी या हम लोग का जो बी लिम्फोसाइट है बहुत तरीके का एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस होता है, वो एंटीबॉडी सिर्फ उसी एंटीजन के खिलाफ लड़ेगा, वो दूसरे किसी एंटीजन के खिलाफ नहीं लड़ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक, जो मैंने कहा कि स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर ये एक एंटीजन है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए अगर बॉडी में ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है तो ये सिर्फ इसके खिलाफ ही लड़ पाएगा, दूसरे किसी के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक, विच मीन्स दैट वन काइंड ऑफ एंटीबॉडी एक्ट्स अगेंस्ट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन ओनली। क्लियर? नेक्स्ट, एन एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेज इट्स पर्टिकुलर एंटीजन एंड बाइंड्स टू इट। जो मैंने कहा कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा तभी तो उसके साथ बाइंड करेगा, और बाइंड कैसे करता है? एंटीजन का जो एपिटोप है उसके साथ एंटीबॉडी का पैराटोप जाके बाइंड करता है ना, तो बाइंड करता है, उससे क्या होता है? रेंडरिंग इट हार्मलेस। एंटीजन तो हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसके साथ जब एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगा तो उसका जो एंटीजन का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो नष्ट हो जाएगा, वो हार्मलेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। जो मैंने पिछले फिगर में दिखाया कि सब सारे एंटीजेंस या सारे बैक्टीरिया एक जगह पे क्लम्ब्ड हो गया, उसके बाद क्या हुआ? फैगोसाइटिक सेल्स आके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सिक्स, सम एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ सम पीपल फ्रॉम द वेरी बर्थ। यानी जन्म से कुछ इंसान के बॉडी में कुछ कुछ एंटीबॉडीज रहता है जो जन्म से पहले ही मादर के बॉडी से प्लाजेंटा क्रॉस करके आ जाता है। सच पीपल हैविंग दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड डू नॉट सफर फ्रॉम दोज पर्टिकुलर डिजीजेज इवन इफ द जर्म्स फॉर देम हैव क्रॉस्ड द बैरियर्स एंड एस्केप द फैगोसाइटोसिस। जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी जन्म के पहले से ही, मतलब एम्ब्रायोनिक स्टेज से ही उसके बॉडी में है, जन्म के बाद अगर वो एंटीबॉडी जिस जीवाणु के खिलाफ, जिस एंटीजन के खिलाफ या जिस जर्म के खिलाफ लड़ता है, अगर वो जर्म उसको अटैक करता है और उसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या बैरियर से, यानी स्किन हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, फिर जो केमिकल्स है हम लोग के बॉडी में, HCL हो या फिर सलाइवा में लाइसोजाइम, अगर ये सब जो बैरियर से इसको क्रॉस करके अगर बॉडी में एंटर भी कर जाता है, तब भी वो इंसान, उस जीवाणु, उस इंसान का कोई भी डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में वो जन्म से ही उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सेवन, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबॉडीज ऑन एक्सपोजर टू एंटीजेंस मे बी आइदर फॉर अ शॉर्ट पीरियड
और फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यानी एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग के बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ये जो इम्यूनिटी पावर है, ये इम्यूनिटी कभी कभार हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे एग्जांपल कॉमन कोल्ड, जैसे मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ कॉमन कोल्ड से, विंटर आने से ये प्रॉब्लम मुझे होता है, तो ये 5-7 दिन तक रहता है, खांसी होता है, थोड़ा बुखार होता है, फिर हम लोग मैं ठीक हो जाता हूँ, ये बहुत सारे इंसान के साथ ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड के लिए जो जीवाणुदायी है वो बॉडी में एंटर करता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो वो प्रोड्यूस होने में 5-7 दिन समय लगता है, फिर ठीक हो जाता हूँ। लेकिन अगले साल फिर जाके जब कोई कॉमन कोल्ड का अगर जर्म मुझे अटैक करता है, तो मैं कॉमन कोल्ड में फिर से मैं अफेक्टेड हो जाता हूँ, मतलब वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ वो कुछ दिनों तक ही उसका लड़ने का क्षमता बॉडी में रह गया, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन अगर कुछ दूसरा जो डिजीज़ है, सपोज स्मॉल पॉक्स या मिजल्स या स्मॉल पॉक्स अगर किसी को ज़िंदगी में एक बार होता है तो बाद में जाके जनरली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, तो वो एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग तक काम करता है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी मेडिएटेड जो इम्यूनिटी है, वो कभी कभार हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए, कभी कभार हो सकता है लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये रहा एंटीबॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।